आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। लंपी वायरस का कहर जारी, कोरोना की तरह इसके भी हो सकते हैं वेरिएंट, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। जस्टिस रमना ने सीजीआई के तौर पर अपने कार्यकाल का किया उल्लेख, कहा 16 महीने से जितना कर सकता था मैंने किया। कोयंबटूर में भाजपा नेता के घर पर फेंका गया एक और बॉटल बम, कार क्षतिग्रस्त। ड्रग तस्करी के आरोप में विदेशी नागरिक समेत 2 लोगों को हैदराबाद से किया गया गिरफ्तार। पंजाब के जालंधर में हिंदू पुजारी की हत्या की साजिश मामले में एक और आरोप पत्र दायर, एनआईए ने रखा 10 लाख का इनाम। सीतापुर में थप्पड़ मारने से गुस्सा इंटर के छात्र ने प्रिंसिपल को मारी 3 गोली, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर। लखनऊ में होंगे खेलो इंडिया हॉकी लीग के फाइनल मुकाबले, 13 अक्टूबर से होगी शुरुआत। योगी आदित्यनाथ सरकार दंगाइयों पर हुई और सख्त, विधानसभा में पास हुआ निजी संपत्ति क्षति वसूली संशोधन विधेयक। यूपी में एमएलसी चुनाव में पूर्ण विजय के संकल्प संग उतरेगी भाजपा, बनाई गई रणनीति। उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा बिजली सामग्री का 35% तक ज्यादा रेट, आयोग ने लगाई फटकार। ईरान में फ्री इंटरनेट के लिए आगे आए एलन मस्क, करेंगे स्टारलिंक सर्विस एक्टिव। सेंट्रल जापान में तूफान की तबाही, 2 मरे, हजारों घरों की बिजली गुल। चीनी समकक्ष में मिले एंटनी, चीन ने कहा अमेरिका ताइवान को भेज रहा है खतरनाक संकेत। शेख हसीना ने यूएन में उठाया रोहिंग्या मुसलमानों का मुद्दा, बताया बांग्लादेश के लिए गंभीर समस्या। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर जारी, कई क्षेत्रों में फैल रहा डेंगू और मलेरिया। प्लेयर ऑफ द मैच बनकर रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी, मोहम्मद हफीज का रिकॉर्ड, गांगुली की कर ली बराबरी। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की भावुक विदाई, आखिरी मुकाबला हराने के बाद कोर्ट पर रोते हुए बोले, मैं दुखी नहीं खुश हूं। रविंद्र जडेजा नहीं छोड़ेंगे चेन्नई सुपर किंग्स, इस साल 16 दिसंबर को हो सकती है नीलामी, 95 करोड़ रुपए होगा हर टीम का बजट। आईपीएल 2023 सीजन के लिए दिसंबर में हो सकती है नीलामी, सभी टीम के पास पर्स में 95 करोड़ रुपए। '17 के बाद घरेलू T20 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत, रोहित की तूफानी पारी, अक्षर भी चमके। ₹200 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग केस में एक और खुलासा, जैकलीन की डिजाइनर ने सूटकेस से 3 करोड़ रुपए लेने की बात स्वीकार की, फेवरेट कपड़े खरीदने के लिए लिए थे पैसे। हिना खान ने किया टफ एरियल योगा, झूले पर उल्टा लटकी आई नजर, वीडियो शेयर कर किया फैंस को इंप्रेस। नेहा कक्कड़ के गाने पर फाल्गुनी पाठक का रिएक्शन, बोली ओरिजिनल गाने में सिंप्लिसिटी थी जो लोग पसंद आई थी, रिमिक्स बनाने वालों को ये ध्यान रखना चाहिए।
मुंबई में स्पॉट हुई रश्मिका मंदाना। अपकमिंग फिल्म गुड बाय के प्रमोशन के लिए जुहू पहुंची, पिंक आउटफिट में दिखी खूबसूरत। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया वीडियो, विदेश में गोलगप्पे खाती आई नजर, पति और दोस्तों के साथ की मस्ती। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।